तो इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन, ये हमको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स की एक यूनिक फीचर है, या इसको हम एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। और पिछले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं एक बाईसेक्सुअल फ्लावर की, तो यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होगा थैलमस, और थैलमस के थर्ड नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एक वर्सेटाइल फिलामेंट होगा, एंड एट द एंड ऑफ फिलामेंट एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एंथर। एंथर अलोंग विद द फिलामेंट कॉन्स्टिट्यूट स्टैमेन। और ये जो फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोल रहा हूँ पिस्टिया कार्पेल, अपर मोस्ट परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन फॉर द पॉलन्स, इसको मैं बोल रहा हूँ स्टिग्मा। एंड जस्ट बिलो द स्टिग्मा यहाँ पे एक हॉलो और कह सकते हैं सॉलिड सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टाइल, एंड द बेसल स्वेलिन बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल रिफर्ड एज ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओवरियन लॉक्यूल और ओवरियन कैविटी। और ओवरियन लॉक्यूल या ओवरियन कैविटी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रायो सैक। और एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड होगा इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस एंथर के अंदर प्रोड्यूस होंगे पॉलन्स, और पॉलन ग्रेन्स का यहां से यहां ट्रांसफर होना बोला जाता है पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और अगर यहां पे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड कर रहे हैं, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आउट ऑफ ऑल द कंपैटिबल पॉलन, एक सिंगल पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, क्योंकि ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोसाइक्लोनस कंडीशन पाई जाती है। और इस पॉलन ग्रेन से या पॉलन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, जिसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब, और वो स्टाइल से होते हुए इस ओवरी में एंटर करेगी, और फाइनली ये एंटर कर जाएगी इनसाइड द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर पोल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोरोगैमी होती है, पॉलन ट्यूब एंटर करता है इनसाइड द ओव्यूल माइक्रोपाइल पोल के थ्रू से या माइक्रोपाइल के थ्रू। और यहां से लेकर के यहां तक के सारे इंटरमीडिएट इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द deposition of pollen on the stigma until the pollen tubes enter the ovule, इन सारे intermediate events को हम लोग बोलते हैं pollen pistil interaction। जब pollen grain deposit होता है on the stigma और जब तक pollen tubes enter कर जाती हैं किसमें, ovules में, ये सारे के सारे intermediate processes को from the deposition of pollen on the stigma until the pollen tubes enter the ovule, इस पूरे intermediate events को हम लोग बोलते हैं pollen pistil interaction। यहाँ तक की बातें हम लोग pollen pistil interaction वाले topic में कर लिए थे। अब ये जो pollen tube यहाँ पे आया है, इस pollen tube को guide कौन कर रहा था, obturator जो कि इस funicle पे hair like structures थे जो flagging का काम कर रहे थे, और इस माइक्रोपाइल पोल पे प्रेजेंट थी दो स्पेशल सेल्स जिनको हम लोग बोलते थे साइनर्जिड्स, ये कुछ केमिकल्स रिलीज कर रही थी जैसे कि बोरॉन कैल्शियम इनोसिटॉल वगैरह, ये केमिकल सिग्नलिंग का काम कर रही थी, जिससे पॉलन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो कीमो सेंसिटिव होता है, और केमिकल सिग्नल को सेंस करके वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स हो करता है, और उसी केमिकल की तरफ जहाँ से वो सिग्नलिंग हो रही है या केमिकल रिलीज हो रहा है उसी के साइड बढ़ता है। यानी साइनर्जिड जो है वो केमिकल की हेल्प से गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब के डायरेक्शन को इनसाइड द पिस्टिल या कार्पल। और जो साइनर्जिड्स थी इनकी वॉल पे कुछ स्पेशल थिकनिंग्स थी, इस स्पेशल थिकनिंग को हम लोग बोलते थे फिलीफॉर्म अपैरेटस। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये भी गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के डायरेक्शन को इनसाइड द पिस्टिल। तो ऑब्ट्यूरेटर, फिलीफॉर्म अपैरेटस और साइनर्जिड्स मिल करके गाइड कर रही हैं किसको, पॉलन ट्यूब को, कि भाई तुम्हें माइक्रोपाइल पोल के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करना है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर।
अब सपोज यहाँ पे ओव्यूल के अंदर ये एंटर कर गया कौन, पॉलन ट्यूब। इतनी बात हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब ये आगे की स्टोरी, यानी कि ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करने के बाद आगे के जो इवेंट्स या प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। और इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं इस एम्ब्रायो सैक को बाहर निकाल रहा हूँ। एम्ब्रायो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। फीमेल गैमेटोफाइट में दो पोल्स होंगे, सलाजल और माइक्रोपाइलर। यानी कि ये जो पोल है इस पोल को मैं बोल रहा हूँ सलाजल पोल, और यहाँ पे ये जो पोल है इस पोल को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोपाइलर पोल। इसको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोपाइलर पोल। और इस माइक्रोपाइलर पोल पे यहाँ पे प्रेजेंट होगी फीमेल गैमीट, या इस फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग शेल, एग सेल, या फिर इसको बोलेंगे फीमेल गैमीट। और इस फीमेल गैमीट के दोनों तरफ यहाँ पे दो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं साइनर्जिट्स। इनको हम लोग बोलते हैं साइनर्जिट्स। और यहाँ पे साइनर्जिट सेल्स की वॉल पे जो स्पेशल थिकनिंग है, इस थिकनिंग को बोला जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और एक सेल और साइनर्जिट्स को मिला करके इस पूरे अपैरेटस को हम लोग बोलते हैं एग अपैरेटस। एंड जस्ट बिलो द एग अपैरेटस यहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और इन न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। इनको हम लोग बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई, पोलार न्यूक्लियाई। और यहाँ पे चलाजल पोल पे तीन सेल्स होंगी एक जैसी, 1, 2, 3। और इन तीनों सेल्स को, इन तीनों सेल्स को बोल रहा हूं मैं एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स। तो तीन एंटीपोडल्स, दो साइनर्जिट्स 5, एक एक्सेल 6। और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिस सेल में है, इस पूरी सेल को हम लोग बोलते हैं, इस सेल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। तो एक सेंट्रल सेल, तीन एंटीपोडल, दो साइनर्जिट और एक सेल होगी। टोटल कितनी सेल्स हो गई, 7 सेल। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रायो सैक है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये 7 सेट 8 न्यूक्लिएटेड होगा, 7 सेट 8 न्यूक्लिएटेड होगा। अब सपोज कि ये रेड कलर वाली पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब यहां पे, इसको हमने थोड़ा सा यहां पे मैग्नीफाई किया। ये फीमेल गैमेटोफाइट, यहां पे हमने ओव्यूल नहीं ड्रॉ किया है, पर इसके बाहर ये जो पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है ओवरी के अंदर या ओव्यूल के अंदर, इसको हमने ड्रॉ किया। यहां पे पॉलन ट्यूब के टिप पे ट्यूब न्यूक्लियस होगा, और पीछे यहां पे 1, 2 ये दो मेल गैमेट्स होंगे। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये साइनर्जिट्स रिलीज कर रही हैं केमिकल्स। और जैसे ही ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब यहाँ पे माइक्रोपाइल पोल यानी कि इस पोल के आसपास आ जाएगा, ये साइनर्जिट जो है अपने आप को बर्ड्स कर लेती हैं, यानी रैप्चर कर देती हैं, फट जाती हैं सारे केमिकल्स एक साथ रिलीज कर देने के लिए, क्योंकि पॉलन ट्यूब यहां तक आ गया, अब इसके बाद इसका रास्ता ना भटक जाए, इसलिए एक साइनर्जिट अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और सारे के सारे केमिकल रिलीज कर देती है, जस्ट टू मेक केमिकल सिग्नल मच स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ताकि ये पॉलन ट्यूब अच्छे तरीके से डायरेक्ट हो पाए, इस माइक्रोपाइल पोल के थ्रू एंटर कर पाए। और इस स्ट्रॉन्ग केमिकल सिग्नल के इन्फ्लुएंस में ये जो पॉलन ट्यूब है ये तुरंत इस तरफ क्या हो जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। और ये जो कंटेंट है इसके अंदर, वो जैसे जैसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी, वो आगे इस तरीके से मूव करते रहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे 1, 2 ये दोनों मेल गैमेट्स। अब एक साइनर्जिट तो क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। एक साइनर्जिट क्या हो गई, डीजनरेट हो गई जब गाइड कर रही थी पॉलन ट्यूब को। अब जो केमिकल सिग्नल रिलीज होगा वो इस दूसरी वाले साइनर्जिट से रिलीज होगा।
अब इस केमिकल सिग्नल को सेंस करेगा ये ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि दूसरी वाली साइनर्जिड सेल की तरफ ये मूव करेगा और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी इस बची हुई साइनर्जिड की तरफ। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है, फाइनली इस पॉलन ट्यूब को लेकर के एंटर कर जाता है इस दूसरी साइनर्जिड सेल के अंदर, इस दूसरी साइनर्जिड सेल के अंदर इस तरीके से मूव कर जाएगा ये। और जैसे ही ये साइनर्जिड सेल के अंदर एंटर करता है, ये दूसरी वाली साइनर्जिड सेल भी क्या हो जाती है, बर्स्ट कर जाती है, रैप्चर हो जाती है। और उसी टाइम पे ये पॉलन ट्यूब का टिप इतना ज्यादा थिन हो जाता है कि ये भी डिसॉल्व हो जाएगा और जो पॉलन ट्यूब के अंदर कंटेंट है एक ट्यूब न्यूक्लियस और दोनों मेल गैमीट, इसको रिलीज कर देगा साइनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही साइनर्जिड सेल फटेगी, ये दोनों ही मेल गैमीट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस ये सेंट्रल सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब ये जो दो मेल गैमीट्स हैं, ये जो दोनों मेल गैमीट्स अंदर आए हैं और ट्यूब न्यूक्लियस ये जो है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का फेट या फ्यूचर क्या है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ये हमको समझना है। तो इसमें से एक मेल गैमीट, ये एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा इस एक सेल के साथ, यानी ये जो एक मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा इस एक सेल के साथ और बना लेगा एक डिप्लॉयड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है आगे चल के बनाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो आगे चल के बनाएगा न्यू प्लांट, न्यू प्लांट। अब दूसरा ये जो बचा हुआ है, दूसरा मेल गैमीट जो है, ये मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी ये एक मेल गैमीट जो है, ये इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज मोस्ट फेमसली एब्रोविएटेड एज PEN, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फ्यूज कर गया, तो एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है और इसके फ्यूजन से बन रहा है जाइगोट, और इस फ्यूजन को, एक मेल गैमीट और एक एग सेल के फ्यूजन को मैं बोल रहा हूं सिनगैमी, इसको बोलेंगे सिनगैमी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रू फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको हम लोग बोलेंगे सिनगैमी। दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि ये हैप्लॉयड और ये हैप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड। और दूसरा मेल गैमीट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 1, 2, 3 तीन न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस और दो पोलार न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, एंड विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये एक दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा, दैट इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट अलॉन्ग विद द टू पोलार न्यूक्लियाई, विच इज रिफर्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। और ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अभी हमने देखा कि ये जो दो मेल गैमीट हैं, एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, प्रोसेस को बोल रहे हैं सिनगैमी। एक मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इस एग सेल और एक मेल गैमीट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं सिनगैमी। एक मेल गैमीट और एक सेल के फ्यूजन को क्या बोल रहे हैं सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, प्रोसेस को बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंस द टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन इन एन एम्ब्रायो सैक टेक्स प्लेस एट अ टाइम, एक ही टाइम में एक ही
फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक के अंदर दो तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ट्वाइस एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन जो है ये दो बार हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, क्योंकि एक सिनगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दो तरीके के फ्यूजन एक ही समय पे एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहे हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग कंबाइंडली क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है ये स्पेसिफिकली हमको देखने को मिलती है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो ये दोनों तो हमको समझ में आ गया कि ये दोनों मेल गैमेट्स जो है इसमें से एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज कर लिया सिंगैमी, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर गया ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन को हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हमारे पास बचा हुआ है एक ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये एक ट्यूब न्यूक्लियस बचा है। तो जैसा कि आपको पता है ये जो एग सेल है और ये जो मेल गैमेट है इसको हम दूल्हा और दुल्हन बोल रहे हैं अभी तक अपने चैप्टर में। तो दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो साइनर्जिड्स हैं जो कि पॉलिन ट्यूब को गाइड कर रही है किस डायरेक्शन में आना है, और दूल्हा जो मेल गैमेट है उसका दोस्त कौन है, फ्रेंड कौन है, ट्यूब न्यूक्लियस, वो गाइड कर रहा है कि दूल्हे को किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर ये दूल्हा और ये दुल्हन जो मिल गए एक साथ तो अब तो हमारे ख्याल से फ्रेंड फ्रेंड का काम खत्म हो जाता है। तो इस फीमेल की जो सहेलियां थी ये तो डीजनरेट हो गई पॉलिन ट्यूब को गाइड करते करते, लेकिन अभी ये जो मेल का फ्रेंड है, दूल्हे का फ्रेंड है, अभी ये बचा है। तो जब ये एंटर करता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर तो ये भी डीजनरेट हो जाता है क्योंकि इसका भी काम वाम खत्म हो गया है, अब कोई काम नहीं रह गया है, अब तो पहुंच चुका है मेल गैमेट। तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये डीजनरेट हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलने लगते हैं एक्स बॉडी, इसको हम लोग बोलने लगते हैं एक्स बॉडी, नाम ही इसका रख दिया गया एक्स बॉडी। तो मेल गैमेट या जो मेल गैमेट्स को गाइड कर रहा था कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के हेल्प से ट्यूब न्यूक्लियस, वो भी जस्ट आफ्टर द एंटरिंग इन टू द फीमेल गैमेटोफाइट डीजनरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक्स बॉडी में। तो दो साइनर्जिस्ट डीजनरेट हो गई, एक सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जायगोट बना लिया, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया, और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था ये डीजनरेट होकर के एक्स बॉडी में कन्वर्ट हो गया। उसी टाइम पे ये जो एंटीपोडल्स हैं ये भी क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, एंटीपोडल्स का कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन नोन नहीं है। एंटीपोडल सेल्स का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, और ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये जेनेटिक कॉन्सेंट्रेशन को, डीएनए को इक्वलाइज करने के लिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए बनती हैं एट द टाइम ऑफ माइटोसिस। ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नॉन फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस किस सेल का क्या क्या फेट है। अब ये जो पूरा काम हो रहा है ये इस बड़ी वाली सेल के अंदर हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल। और ये जो सेंट्रल सेल है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये इवेंचुअली बना लेता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो इतनी सी बात हमको पढ़नी थी किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में। तो एक बार इसको मैं रीकैप करता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, वन इज सिनगैमी एंड अनदर वन इज ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, वन इज सिनगैमी में क्या हो रहा है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट या फिर एक सेल आपस में फ्यूज कर रहे हैं जिससे बन क्या रहा है, जायगोट।
और जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रायो, ये बनाएगा एम्ब्रायो। और इस प्रोसेस को फ्यूजन ऑफ वन एंड मेल एंड वन फीमेल गैमेट, इस मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ सिनगैमी। और इस सिनगैमी को पहली बार डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, स्ट्रासबर्गर मोनोट्रोपा प्लांट में, मोनोट्रोपा प्लांट। तो स्ट्रासबर्गर ने सिनगैमी प्रोसेस को डिस्कवर किया था किसमें, मोनोट्रोपा प्लांट में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम सिनगैमी बोल रहे हैं, विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनाएगा न्यू प्लांट। तो जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है उसको हम लोग बोल रहे हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी को हम लोग बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जो अगली जनरेशन ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड इस एम्ब्रायो के थ्रू। तो सिनगैमी जो है पहली बार डिस्कवर किया था किसने, स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा प्लांट में। और दूसरी दूसरी टाइप का जो फ्यूजन है डबल फर्टिलाइजेशन में, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट और दो पोलार न्यूक्लियाई आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, जिससे बन क्या रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल बना ले रही है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि ये जो सेंट्रल सेल है इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट मिलकर के बना लेंगे जाइगोट, और पोलार न्यूक्लियाई जो दो थे वो एक मेल गैमेट के साथ मिलकर के बना लेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल में है, इस पूरी सेल को हम बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इस पूरी सेल को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ये डेवलप हो जाएगी किसमें, एंडोस्पर्म में। अगर हम इसके पोलॉइडी की बात करें तो बहुत आसान है, ये हैप्लॉयड है, और है तो ये हैप्लॉयड लेकिन इसमें एन प्लस एन अरेंजमेंट है क्योंकि दो पोलार न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा ये 2+1 यानी कि 3n होगा, यानी ये सेल भी कैसी होगी, 3n होगी। ये वाली सेल भी कैसी होगी, 3n होगी, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी ये जो एंडोस्पर्म बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये भी कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड, बट ओनली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा हूं, केवल एंजियोस्पर्म में जो ये एंडोस्पर्म है ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, जो कि ये जो एंडोस्पर्म है ये इस डेवलपिंग जाइगोट को और इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिश करेगा जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ओव्यूल, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जो सीड है, इस सीड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है एम्ब्रायो, इसके डेवलपमेंट को हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रूट अंदर सीड, और सीड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है एम्ब्रायो, और इसमें जो सीड के अंदर एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग जाइगोट और डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिश करता रहेगा जब तक कि ये सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता, जब तक कि नई लीव्स नहीं आ जाती, जब तक कि ये खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता या प्रोड्यूस नहीं कर सकता। या तो हम ये कह सकते हैं ये जो एंडोस्पर्म है ये नरिशिंग का काम कर रहा है डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रायो को। और ये जो एंडोस्पर्म है, हमने आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसा है, ट्रिप्लॉयड है। इसकी पोलॉइडी क्या है, ये ट्रिप्लॉयड है, 3n है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में इटसेल्फ फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म बोलते हैं, और ये हैप्लॉयड होगा क्योंकि वहां पे
फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम एंडोस्पर्म बोल रहे हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली स्थिति है। फर्टिलाइजेशन के पहले फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड ही होगी, तो फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो है ये हैप्लॉयड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा। एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा जिम्नोस्पर्म में। जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बन रहा है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड टू पोलार न्यूक्लियाई, इसलिए इसकी पोलॉइडी क्या है? ट्रिप्लॉयड। और एक प्लांट है जहां पे डिप्लॉयड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। एक प्लांट का नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो इस प्लांट में जो एंडोस्पर्म है, इस प्लांट में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड और जिम्नोस्पर्म में कैसा है? हैप्लॉयड है। तो इतनी सारी बात हमको पता होनी चाहिए किसमें? डबल फर्टिलाइजेशन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन अगर थोड़ा सा हम एडिशनल बातें करें, तो हमने आपको बताया अभी कि जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट फ्यूजन या इवेंट्स हो रहे हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी को स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया मोनोट्रापा प्लांट में। और अगर हम इस पूरे फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, नाम है नवाशिन। और इन्होंने डिस्कवर किया था दो प्लांट में, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। तो सिनगैमी को डिस्कवर किया था किसने? स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था नवाशिन ने, कहां पे? लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। और एक इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर इसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, जैसे कि ट्रैपेसी फैमिली हो गया, ऑर्किडेसी हो गया, इसी तरीके से पोर्टोस फेमिनेसी, तो ये ट्रेपेसी, ऑर्किडेसी और पोर्टोसेमेसी, इस तीन फैमिली में, ये तीनों एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, इनमें हमको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर अप टू एनसीईआरटी हम बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें, तो ये एक करैक्टरिस्टिक फीचर है, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी या फीचर है किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की। तो अगर बहुत ज़्यादा ना पूछा जाए तो एक्स्ट्रा ज्ञान प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी तक हम लिमिटेड हैं, हमारा कोर्स लिमिटेड है एनसीईआरटी तक। तो हम एनसीईआरटी को अगर माने, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की यूनिक करेक्टरिस्टिक माने जाएगा कौन? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो इतनी सारी बातें हमको डबल फर्टिलाइजेशन में पता होनी चाहिए। एक बार मैं आपको तेजी से फिर से इसको रिवाइज करा रहा हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन जो है, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था किसने? नवासिन ने, फ्रिटिलेरिया या लिलियम प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ इन्वॉल्व्स टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजन, वन इज सिनगैमी एंड अनदर वन इज ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में एक मेल और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, पहली बार इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा प्लांट में। और ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे और सेंट्रल सेल जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगी और इवेंचुअली वो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होगा इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हैप्लॉयड होगा इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, और डिप्लॉयड होगा किसमें? ओइनोथेरा लैमार्कियाना में। तो इतनी सारी बातें हमको याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए किसमें? डबल फर्टिलाइजेशन में।